जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, देखो चाहे एज हो गया है, चाहे एज नहीं हुआ है, चाहे आप ओवर एज हो गए हो, चाहे जितने भी भाई अभी ग्राउंड पर नए नए दौड़ना चालू किए हो, चाहे अभी दौड़ना नहीं चालू किए हो, आप लोग एक बात तो सुन ही लिए होंगे, अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये नारा आप लोग सुन लिए होंगे, दिल्ली चलो। देखो 5 तारीख को जितना भी आरओ लगता है, पूरे भारत के लोग दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे भी तरफ से बहुत सारे भाई जा रहे हैं। और देखो यार, अभी आप लोग सोचोगे मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। देखो बात पता है क्या है, मेरा यूपी बोर्ड का पेपर चालू है, आप सभी लोगों को पता होगा, और 12 अप्रैल तक ये पेपर चलेगा। यार मतलब पेपर का भी तैयारी करना है। और देखो मैं इस वीडियो से बस ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि जितने भी भाई मतलब बैठे हुए हो, तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ओवर एज हो रहे हो, चाहे आपका एज नहीं हुआ है, ग्राउंड पर जाकर मतलब तैयारी करते हो, तो 5 अप्रैल को जाने का कोशिश करना, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम होगा या नहीं होगा, टाइम निकाल कर 5 अप्रैल को दिल्ली जाने का कोशिश करना, क्योंकि जितने भी एकेडमी वाले हैं ना, सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं भी चलता यार, लेकिन पेपर है ना, इसलिए बहुत सारे भाई सोचेंगे कि सिर्फ वीडियो बनाता है और जब कहीं जाने का रहता है तो नहीं जाता है। तो यार देखो, जब कोई परेशानी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है ना, तभी नहीं जा पाते हैं। अगर पेपर नहीं जाता तो मैं भी चलता, बाकी आप लोग चलना, ठीक है ना। और एक बात और बता दे रहा हूँ, बहुत सारे भाई बोल रहे थे ना ये टी शर्ट मैं कहाँ से लिया हूँ, तो यार ये मेरा फौजी भाई है, और जो मैं आप लोगों को दिखाया था जब वो ट्रेनिंग फाइनल करके वापस अपने घर आ रहा था, तो मैं उसको लाने गया था, वो वीडियो में बनाया था, पूरा फुल यूनिफॉर्म में था, तो वही भाई टी शर्ट भेजता है, ठीक है ना। और ऐसा सिर्फ एक टी शर्ट नहीं है, बहुत सारे टी शर्ट भेजा है जो कि पहनते रहता हूँ, बहुत सारे भाई पूछ रहे थे तो इसलिए मैं बता दिया हूँ। चलो ठीक है, दिल्ली ज़रूर जाना, ठीक है ना। जय हिंद।